मैं विनोद चौधरी वीकेसी मैथ सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन एक्सरसाइज सेकंड का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज सेकंड का करेंगे 2.2। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। आज अपन एक्सरसाइज 2.2 है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद ये आपको प्रूव करना है कि उन दोनों नंबरों का जो एलसीएम और एचसीएफ आपने फाइंड आउट किया है उनका मल्टीप्लाई है वो जो आपको टू गिवन नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी दोनों संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे और उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर उनके एचसीएम और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ नाम। तो एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। कॉमन यानी जो उसके अंदर उभयनिष्ठ है, मल्टीपल यानी गुणनखंड। तो जो भी दो संख्याएं आपको दे रखी है उनका जो सबसे छोटा जो गुणनखंड है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दो या तीन संख्याएं दे तो उन्हें तीनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है वो क्या होता है? एलसीएम होता है। तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? जैसे आपको तीन संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, उनका आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट बोल सकते हो या लिस्ट बोल सकते हो। नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। अगर आपको यहाँ दो संख्याएं दे तो आप एक्स और वाई बोल दोगे। तो एलसीएम एक्स वाई जेड का वो सबसे छोटा नंबर है जो उनसे एग्जैक्टली यानी डिविजिबल यानी विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से। तो अपन इसका एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखो 12 और 16 दो संख्याएं हैं, तो 12 और 16 के आप जब मल्टीपल लिखते हो तो 12 के 12 24 36 48 60 72 84 96 ऐसे आगे चलता जाएगा। 16 के 16 32 48 64 80 96 इस तरह से आगे चलता जाएगा। अब इन दोनों के अंदर यहाँ पे जो अपने पास नाम आया है कॉमन, तो इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है वो दोनों में 48 भी कॉमन है, दोनों में 48 भी कॉमन है, एक 96 भी दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों तो एलसीएम नहीं हो सकते इसके 48 और 96। तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है लिस्ट, यानी जो उनमें सबसे छोटा है 48 और 96 में जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? 48 है। तो 16 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कौन सा आएगा? 48 आएगा। तो अगर उनमें से कॉमन मल्टीपल आपके तीन बने, चार बने या पांच बने, कितने बन सकते हैं आगे टेबल के अंदर, जैसे जैसे आप आगे टेबल को बढ़ाते जाओगे आगे कॉमन मल्टीपल है वो आते जाएंगे। लेकिन उनमें से जो लिस्ट यानी सबसे छोटा है वो कौन सा है? तो उनमें सबसे छोटा कौन सा है? 48 है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया? 48। तो ये तो एक जैसे ट्रिकली आपको चेक करने के हिसाब से हो गया, लेकिन आपको 10th लेवल के अकॉर्डिंग करना है तो ये आपको पूरा मेथड से करना होगा। तो यहाँ पर अपने को दिया हुआ ये प्राइम फैक्टर से करना है, तो ये आप प्राइम फैक्टर से करोगे इसको। आगे अपन बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पर एक्सरसाइज में तो आपको एचसीएफ वो प्राइम फैक्टर मेथड से फाइंड आउट करना है, लेकिन इसका थोड़ा अपन थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि आप किन्हीं भी दो संख्याओं या तीन संख्याओं का जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हो तो उनका आपको फैक्टर करना होगा। जैसे इस 12 और 16 है, इनके जो जो जिससे ये डिविजिबल होते हैं वो नंबर अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे 12 है ये 1 से है, 2 से डिविजिबल है, 12 में 3 से डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है, 5 से नहीं है, ये 6 से है और 12 से। और 16 जो है वो 1 से है, 2 से है, 4 से है और 8 से। तो इनसे ये क्या है? डिविजिबल है, यानी इन संख्याओं से ये विभाजित होता है। अब इनके अंदर
कॉमन कौन सा है वो अपन सिलेक्ट करते हैं। तो जो जो कॉमन फैक्टर है कौन कौन से हैं, देखो दोनों में ये फोर आ रहा है, ये फोर कॉमन है, दोनों में ये टू आ रहा है, ये टू कॉमन है, दोनों में ये वन आ रहा है, ये वन कॉमन है। तो जो कॉमन है वो कौन से हो गए, वन टू और फोर हो गए। अब इन कॉमन के अंदर हाईएस्ट कौन सा है, इन कॉमन जो फैक्टर आपने फाइंड आउट किए हैं इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है इसमें से फोर। तो ये फोर क्या हो गया, इसका HCF हो गया। तो आप उनके फैक्टर करते हो, तो इनकी डेफिनेशन क्या है HCF की, कि HCF ऑफ XYZ इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली XYZ। तो HCF और LCM की डेफिनेशन में ये फर्क है। यहां पर डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि XYZ जो जिसका आप HCF निकाल रहे हो वो क्या है कि लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है, विच कैन बी डिवाइड, यानी वो नंबर किसको डिवाइड करेगा, XYZ को डिवाइड करेगा, यानी जो आपने आंसर निकाला है वो जो आप जिस नंबर का HCF निकाल रहे हो वो उस नंबर को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, यानी पूर्ण रूप से। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है उसको अपन HCF या MSEP या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और LCM की डेफिनेशन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी LCM में तो आंसर में उन जो संख्याएं दे रखी आपको क्वेश्चन में उनका भाग जाना चाहिए, और HCF में जो आंसर आता है उसका भाग उन दी गई संख्याओं में जाना चाहिए। तो ये है HCF और LCM का बेसिक कंसेप्ट। अब अपन LCM और HCF को फैक्टर मेथड से निकालते हैं जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। तो यहां पर आपको इन दो संख्याओं का निकालना है LCM और HCF। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपन पहले फैक्टर कर लेते हैं 96 और 404 के, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया हुआ है वैसे ही करना है सेम। तो फैक्टर वाला पैटर्न है वो सेम का सेम वैसे करना है, उसके बाद अपन LCM और HCF निकालेंगे। तो 96 है वो 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है वो 6 है। तो 96 को आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो यह आ गया 48। अब 48 है वो अगेन 2 से डिविजिबल है, तो 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 48 को डिवाइड करने पर 24 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो यह आ गया 12। अब 12 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो यह आ गया 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो यह आ गया 3। अब 3 है वो 3 से डिविजिबल है तो ये हो गया 1 टाइम्स। तो 96 है, इस 96 के जो फैक्टर करने के बाद वो आया 2 की पावर 1, 2, 3, 4 और ये 5 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ये आ गया 96 का। अब उसके बाद में 144 के अपन करते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 4 है, तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये 202 आ गया। अब 202 है, इसका यूनिट डिजिट भी 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा तो ये आ गया 101। अब ये प्राइम नंबर है तो ये इसी से डिविजिबल होगा तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब इस 404 के जो फैक्टर आए वो है 2 की पावर 2 इंटू में 101 की पावर है वो 1 है। तो ये इतना प्रोसेस तो आप पहले से ही कर चुके हो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर। अब आपको LCM और HCF निकालना है तो उसकी मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए अपने उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अपने को इनका LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF का क्या मतलब था, सबसे पहले अपन HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कॉमन होना चाहिए जो भी आप संख्याओं का HCF निकाल रहे हो। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर कौन सा है, दोनों में जो कॉमन है वो है 2। दोनों में ये कॉमन है 2।
अब एचसीएफ में क्या करना है, आपको दोनों में कॉमन है तो दोनों में पावर भी उसकी कॉमन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप उन दोनों संख्याओं में कॉमन लेंगे तो उन दोनों संख्याओं में, जैसे आपके पास मान लो एक्स की स्क्वेयर वाई और प्लस एक्स की फाइव और वाई, इस तरह के ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है, तो कॉमन कैसे निकालोगे कि देखो दोनों में x की जो मिनिमम पावर है वही कॉमन आएगी, क्योंकि 5 तो दोनों में कॉमन आएगी नहीं, तो आप यहाँ से x की स्क्वेयर कॉमन ले सकते हो और y की, यहाँ पे दोनों में एक ही पावर है तो ये y कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ x स्क्वेयर और y कॉमन आ चुका है तो यहाँ तो 1 बच गया, प्लस यहाँ x की पावर 5 है यहाँ 2 कॉमन आ गया है, तो x की पावर कितनी बच गई, 3 बच गई, और y बार कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये इन दोनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे आगे इस एक्सरसाइज में आएगा जिसमें अपने पास ये एक्स वाई जेड वगैरह भी आएंगे, तो उसमें इसी तरह से अपन कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ये पावर के फॉर्म में तो लिखे हुए पड़े हैं, तो इसी तरह यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन पावर है वो कितनी है, 2 है, क्योंकि 5 तो दोनों में नहीं है, 5 तो दोनों में, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं बनी दोनों में, तो कॉमन कौन सी है कि दोनों में 2 की पावर है वो 2 है, 3 दोनों में नहीं है, नए 101 है दोनों में, तो ओनली 2 की पावर 2 ये की है, तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, तो 96 और 404 है, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसकी एलसीएम की बात करें अपन, तो एलसीएम में आपको क्या करना है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके अंदर कम से कम, यानी आप जितने भी आपने इनके फैक्टर किए हैं वो सारे लिए जाएंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, और उनकी मैक्सिमम पावर आपको लेनी है, और एचसीएफ में क्या है कि दोनों में जो कॉमन है वो ही लेना है और उनकी सबसे कम पावर, सबसे छोटी घात वाला आपको लेना है। तो यहाँ आपके पास जितने भी फैक्टर आए हैं वो सारे लिख लेंगे अपन। एलसीएम में कौन कौन आए, देखो दोनों में 2 है, 3 है, ये है और एक 101 है, ये 3 ही आए हैं, तो ये अपन इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। अब इनकी जो मैक्सिमम पावर है वो अपन लिख देंगे, तो 2 की पावर कितनी है मैक्सिमम, ये 5 है, 3 की पावर दोनों में ही एक में है ये मैक्सिमम 1, और 100 पावर की पावर भी 101 की पावर भी कितनी है, 1 है। अब आपको इनका आंसर मल्टीप्लाई करके निकालना है, तो 2 की पावर 5 आप निकालोगे, फिर उसका मल्टीप्लाई 3 से और 101 से करोगे, तो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 9696, 9696। तो ये इसका क्या गया है, एलसीएम आ गया। अब आपको उसने जो कहा था कि आप ये वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेसएप है इंटू मैसएप है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो आप यहाँ पे वो प्रूव करके बताओगे। तो इसके अंदर आप एलसीएम और एचसीएम का मल्टीप्लाई करोगे, तो एलसीएम है अपने पास 9696 और इंटू में एचसीएफ कितना है, 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 38784 आंसर आएगा। तो ये तो आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई। अब आपको मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ जो टू आपको नंबर दिए हुए थे दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो जो दो संख्याएं थी वो कौन सी थी, 96 और इंटू में दूसरी संख्या कौन सी थी, 404, तो आप इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई का भी यही आंसर है 38784 आंसर आएगा। तो ये दोनों इक्वल है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि सो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या आप लिख सकते हो हिंदी मीडियम के अंदर कि लेसअप है इंटू मैसअप है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये आपको यहां पे प्रूव करना था एलसीएम और एचसीएफ निकालने के साथ साथ, तो इसी तरह से जो बाकी के दो क्वेश्चन है वो अपने को करना है। फैक्टर तो आप पहले से सीख चुके हो, बस अब नया क्या है इसमें, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो वो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए है कैसे निकालोगे आप एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए अपन बढ़ते हैं आगे इसी के सेकंड क्वेश्चन पर।
अब सेकंड क्वेश्चन में आपको 336 और 54 का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो 336 के अंदर 2 से डिविजिबल है ये नंबर, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 6 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1, 6 और 8 आ जाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट भी 8 है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 16 के अंदर तो ये 8 टाइम्स हो गया और 8 के अंदर ये 4 टाइम्स हो गया, 84 आ गया। अब 84 भी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करोगे तो 8 है, ये तो डिवाइड हो गया 4 टाइम्स और 4 है वो हो गया 2 टाइम्स। अब 42 है वो भी 2 से डिविजिबल है तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 में ये 2 टाइम्स हो गया और 2 में ये 1 टाइम्स हो गया, 21 आ गया। 21 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से करोगे तो ये 7 टाइम्स हो गया, और अब ये 7 से डिविजिबल है, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया 1। तो ये इसके फैक्टर हो गए हैं। अब इसको आप पावर के फॉर्म में लिख दोगे, 336 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 की पावर 1, 2, 3, 4 और 3 की पावर है वो 1 है और 7 की पावर भी वो 1 है। तो ये अपन ने इसको घात के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब 54 के आप फैक्टर करोगे तो 54 है वो 2 से डिविजिबल है तो 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आ गया 27। अब 27 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से इसको आप डिवाइड करते हो तो 3 की टेबल में आ गया ये 9 टाइम्स। अब 9 है वो अगेन 3 से डिविजिबल है तो ये आ गया 3 टाइम्स, और 3 है वो 3 से डिविजिबल है तो ये आ गया 1। तो 54 के जो फैक्टर आए हैं वो हो गया 2 की पावर तो 1 है और 3 की पावर है वो 3 है। तो ये 54 के अपन ने फैक्टर कर लिए हैं। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ इनका फाइंड आउट करना है। अब आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो एचसीएफ के अंदर अपन क्या देखते हैं कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो अपन निकालते हैं। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए दोनों में 2 है एक तो कॉमन, 2 के बाद में दोनों में ये 3 है। अब ये कॉमन तो अपन ने ले लिया, अब इनकी जो पावर है वो भी इनकी सबसे कम पावर लेनी है, जबकि एलसीएम में आपको ज्यादा पावर वाला लेना है और एलसीएम के अंदर तो आपको एचसीएफ में तो आपको सबसे कम पावर वाला लेना है और एलसीएम में आपको सबसे ज्यादा घात वाला लेना है। तो यहाँ 2 की पावर दोनों में कम कौन सी है, 1 है, और 3 की पावर दोनों में इसमें 1 है और इसमें 3 है तो दोनों में कॉमन कौन सी हो गई, ये 1 हो गई। तो ये 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 यानी दोनों का आंसर कितना हो गया मल्टीप्लाई का 6 आंसर हो गया। तो ये इसका एचसीएफ आ गया 6। अब इसका अपन एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम में जो दोनों के अंदर फैक्टर आए हैं वो सारे लिए जाएंगे, तो उन दोनों के अंदर कौन सा है, 2 है, 3 है, 7 है, तो ये 3 ही है तो 2 × 3 × 7। अब इनकी पावर है वो हाईएस्ट पावर लेनी है, तो हाईएस्ट पावर में 2 की पावर दोनों में 1 है इसमें 4 है तो हाईएस्ट कौन सी हो गई, 4। 3 की पावर इसमें 1 है और इसमें 3 है तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई, 3। और 7 की पावर इसी में है ओनली 1 तो ये 7 की पावर 1। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3024। अब वेरीफाई को आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप अलग अलग न करके इस तरह से दोनों एक साथ लेकर के चल सकते हो। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम तो अपने पास आया था 3024 और एचसीएफ कितना आया था, 6 आया था, और प्रोडक्ट ऑफ दो टू नंबर यानी दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई तो एक तो था 336 और एक था 54। तो इनका आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मल्टीप्लाई आएगा 18,144 इन दोनों का गुणा करने पर आएगा और 18,144 ही इन दोनों का गुणा करने पर आएगा। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर है, तो ये वेरीफाई हो गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इस तरह से अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब आगे इसी का थर्ड क्वेश्चन, तो अपने को फैक्टर करना है, एक तो 90 का करना है तो 90 के अपन फैक्टर करते हैं। तो 90 है वो 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ गया 45। अब 45 है 2 से डिविजिबल नहीं है, ये किससे डिविजिबल है, 3 से है, तो 3 की टेबल को इससे डिवाइड करोगे तो ये आ गया 15। 15 अगेन 3 से डिविजिबल है तो 3 से आप इसको भाग दोगे तो ये आ गया 5, और 5 को 5 से भाग दोगे तो ये आ गया 1। तो इस 90 के जो फैक्टर बन गए हैं वो है 2 की पावर तो 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो ये 90 के फैक्टर हो गए हैं। अब अपने को करने हैं 144 के, तो
तो 144 के आपको फैक्टर करने हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है वो 4 है, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 14 है वो, तो हो गया 7 टाइम्स और 4 में 2 टाइम्स। अब 72 भी अगेन 2 से डिविजिबल है तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया 36, और 36 है वो 2 से डिविजिबल है अगेन, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आ गया 18 अगेन 2 से डिविजिबल है तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया 9 है वो 3 से डिविजिबल होगा तो आ गया ये 3 है वो 3 से डिविजिबल है तो आ गया 1। तो ये हो गए 144 के फैक्टर, 144 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो ये हो गए 144 के फैक्टर। अब अपने को इनके निकालने हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ में अपन क्या करते हैं, दोनों में कॉमन ढूंढते हैं और कम पावर पाड़ा लेते हैं। तो दोनों में जो कॉमन कौन सा है वो है 2 और 3, ये दोनों में कॉमन है तो एक तो हो गया 2 और मल्टीप्लाई में हो गया 3। अब इनकी सबसे कम जो घात है, सबसे छोटी घात है वो लेंगे, तो 2 की दोनों में जो सबसे छोटी घात कौन सी है 1 है, और 3 की जो दोनों में छोटी घात कौन सी है, दोनों में 2 बराबर ही है तो ये आ गया 2। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 1 तो 2 हो गया और 3 की पावर 2 है वो 9 हो गया। कई इसको 3 की पावर 2 को 6 लिख देते हैं, पावर का मतलब होता है उसको उतनी ही बार लिख करके गुणा करना, 3 को 2 बार लिखना है, 3 × 3 तो 9 9 × 2 कितना हो गया 18, तो ये 18 इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि दोनों में जितने भी अपने पास फैक्टर हैं वो सारे लेंगे, तो दोनों में कौन सा है 2 है 3 और 5 है, ये दोनों में इतने फैक्टर हैं अपने पास तो ये 2, 3 और 5 ये ले लिया है। अब इनकी हाईएस्ट पावर लेंगे, इनकी जो ज़्यादा घात है वो लेंगे, तो ज़्यादा घात कौन सी है 2 की जो ज़्यादा है वो कौन सी है 4 है, और 3 है, 3 की दोनों में बराबरी है 2 घात, और 5 की दोनों में 1 में है, दोनों में है नहीं, तो 5 की घात कितनी है 1, तो इनका आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 720 आएगा। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई दोनों को एक साथ लेकर ही आप चल सकते हो, LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि LCM into HCF लिख सकते हो, या LSAP into MSAP है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, इतना तो सेम होगा ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम वाले भी इसको LCM HCF भी बोलते हैं, LSAP MSAP बहुत कम बोलते हैं। उसके बाद वेरीफाई यानी अपने को क्या सत्यापित करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, LSAP into MSAP के बराबर है। तो LCM कितना आया था 720 आया था, और HCF कितना आया था 18 आया था, और दोनों संख्याएं कौन सी है 90 और 144 है। अब इनका आप गुणा करोगे तो गुणा करने पर आपके पास आंसर आएगा 12960 इसका आएगा, और 12960 इसका आंसर आएगा, तो ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये क्या हो गया है वेरीफाई हो गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट थे जिसमें आपको ये वेरीफाई करना था। तो इस तरह का बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि एक तो इसमें फैक्टर हो गए और एक वेरीफाई करना हो गया, या ओनली एलसीएम और एचसीएफ भी पूछ सकता है, 2 नंबर दे दिए और आपको कह दिया एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो। जरूरी नहीं है ये तीनों क्वेश्चन वाले नंबर दे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए वो कोई भी नंबर दे सकता है, तो आपको नंबर चेंज करने पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब आपने तरीका है वो अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। अब चलिए अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।